नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और मैं आज आपके बीच बायो के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। तो आप अंत तक बने रहेंगे इस वीडियो में ताकि मैं आपको बता सकूं बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किस प्रकार से देख सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव में मुख्य लक्षण है, मतलब कि कौन सी ऐसी क्रिया है जो कि सजीव में होगी ही। तो इसमें से आप जो आंसर चूज करोगे वो श्वसन की क्रिया है, अर्थात ऑप्शन नंबर जो हमारा क है वो चला जाएगा, श्वसन की क्रिया। अगला क्वेश्चन कहता है कि कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण जो है वो विद्यमान रहते हैं, यानी कि उपस्थित रहते हैं। तो किस भाग में सजीवों के सारे गुण जो है मौजूद होते हैं वह किस में होता है, ये आपको बताना है। तो यह जो है वह होता है कोशिका द्रव में। इसका जो आंसर है वो चला जाएगा आपका कोशिका द्रव में। अगला आंसर देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस का कि वे सभी क्रियाएं, इसे बड़ा कर देता हूं मैं ताकि आपको आसानी पूर्वक दिख जाए, वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है कहलाता है। तो अनुरक्षण जो होता है वो क्या कहलाता है ये बताना है। तो ये जो अनुरक्षण होता है वह कहलाता है जैव प्रक्रम। ये क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम, जो कि आपके इस चैप्टर का नाम भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि निम्नलिखित में कौन स्वपोषी है, मतलब स्वयं से जो भोजन बनाता है उसे स्वपोषी कहते हैं। तो इसमें से कौन है? तो इसमें से आपका आंसर चला जाएगा घ नंबर, सभी हरे पौधे स्वयं भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण, पाँचवा क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जल का, कार्बोहाइड्रेट यानी कि H2O जल कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट का या क्लोरोफिल का। तो इसमें ऑप्शन का आपका हिसाब से इसमें क्या होना चाहिए आप भी चूज कर सकते हैं मेरे साथ। तो इसका है कि कार्बोहाइड्रेट का जो है निर्माण होता है, यानी कि ऊर्जा का निर्माण होता है, और ऑक्सीजन रहता है तो आप ऑक्सीजन भी चूज़ करते हैं यहाँ पर। अब है आपका कि मशरूम जो है वो किस प्रकार का पोषण करता है। तो मशरूम जो है वो क्या है? तो मशरूम स्वपोषी है या परपोषी है? तो यह मृत पोषण, मृत जीवी पोषण है, यानी कि जो जीव मरे हुए रहते हैं उनसे जो सड़ा गला पदार्थ रहता है उससे ये जो है ना अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अगला है कि पौधे है कि पौधे में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसे होती है? तो इसका जो ऑप्शन है, इसके ऑप्शन का आपके अनुसार से कौन होगा वो आप ज़रूर चूज़ करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका क, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कहता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैसों यानी कि CO2 एवं ऑक्सीजन का आदान प्रदान किस अंग द्वारा होता है, मतलब पौधे का कौन सा अंग होता है जो कि इसमें पार्टिसिपेट करता है, ये बताना है आपको। तो इसका जो आंसर है वो चला जाएगा, इसके पत्तियाँ जो होती है वहीं से उसी के रंध्रों के द्वारा ये आदान प्रदान होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होती है, मतलब ऊपरी परत जो है वो किस चीज़ की बनी होती है या क्या होती है? तो यह एनामिल की बनी होती है, यानी कि ख नंबर ऑप्शन चला जाएगा आपका। लार्ज होता है, लार्ज होता है वो किस ग्रंथि से स्रावित होता है ये आपको बताना है। स्राव जो है लार के लिए किस ग्रंथि से होता है? तो ये पैरियोटिक ग्रंथि से होता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता, मतलब इसमें से कौन जो है वो जठर रस में जो है मौजूद नहीं होता है? तो इसमें जो जठर रस में मौजूद नहीं होता है वो पित्त मौजूद जो है वो नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन मनुष्य की सबसे छोटी आँख का भाग नहीं है, मतलब इनमें से कौन जो है वो छोटी आँख का भाग नहीं है। मैं सारे ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसका ख नंबर होगा ऑप्शन कोलन जो है वो उसका भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें कौन अवशेषी अंग है, अवशेषी अंग यानी कि इसमें अवशेषी अंग कौन सा है ये आपको चूज करके बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा एपिडिस,
एपिडिस जो है वो अवशोषी अंग नहीं है, वो अवशोषण का काम नहीं करता है। अगला अगला क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य में पाचन की क्रिया आरंभ होती है कहाँ से आरंभ होती है? ये तो आप लोग समझते होंगे कि मुख से ही आरंभ हो जाती है, इसलिए इसका आंसर आप समझ करके भी जवाब दे सकते हैं। मुख गुहा से ये आरंभ हो जाता है, ये आंसर चला जाएगा को के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि इनमें कौन सा आमाशय ग्रंथि या जठर रस का भाग नहीं है, इसमें से कौन सा जो है जठर रस का भाग नहीं है? तो इसका आंसर चला जाएगा मूल पित्तवाहिनी यानी कि घ नंबर ऑप्शन में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप इसका कि इनमें से इनमें किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन श्वसन नली में नहीं जा पाता है, मतलब कौन सा ऐसा इसमें प्रक्रिया होता है जिसके कारण से यह नहीं जा पाता? तो इसका आंसर जो है वो ख के साथ चला जाएगा। अगला आंसर देखते हैं हम लोग कि छोटी आंत में भोजन का पाचन जो है पाचन पूर्णतः होने के बाद वह क्या कहलाता है, मतलब कि क्या कहलाएगा अगर पूर्णतः पाचन हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? तो यह जो है पूर्णतः जैसे ही पाचन हो जाता है यह कहलाता है घ नंबर चाइल, क्या कहलाता है? घ नंबर चाइल कहलाता है। अब देखिए निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से जो है नांकित में से किसकी रचना की मदद से अमीबा का भोजन ग्रहण करता है, मतलब किस प्रकार का जो उसका रचना होता है जिस कारण से कि अमीबा जो होता है वो भोजन अपना ग्रहण कर लेता है, तो उसकी जो संरचना होती है जिस कारण से वो ग्रहण करता है वो होता है कूटपात, मतलब अपने शरीर का जो रंग होता है शरीर का जो आकार होता है वो बदल लेता है, उसी से वो भोजन को चारों तरफ घेर लेता है और वो भोजन ग्रहण कर लेता है, तो कूटपात वो प्रोसेस कहलाता है। इसके भी वीडियोस मैंने बताया कि अमीबा किस प्रकार से भोजन करता है, उसका भी लिंक आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मैं आपको डाल दूंगा, जहां से आप उस वीडियो के बारे में जान लेंगे कि वह किस प्रकार से भोजन ग्रहण करता है। फिलहाल आगे के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा कहता है कि निम्नांकित जो है निम्नांकित पर कौन अमीबा के पोषण की क्रियाएँ में से एक नहीं है, मतलब कि कौन सी क्रिया जो है वो नहीं करता है इसमें से वो आपको बताना है। तो इसका घ नंबर अपघटन की क्रिया जो है उसमें नहीं होती है, इसके घ नंबर ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि अमीबा में भोजन का पाचन किस अंग के द्वारा होता है, मतलब कौन से अंग के द्वारा पार्टिसिपेट कौन सा अंग करता है वो आपको इसमें बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो भोजन रसधानी होगा, यानी कि ख नंबर ये होगा इसका आंसर। अगला है कि पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण शरीर के किस रचना द्वारा होता है, मतलब कि पैरामीशियम जो है वो किस प्रकार से करता है भोजन का अंतःग्रहण उसके बारे में आपको बताना है। तो यह जो है अपना जो भोजन अंतःग्रहण करता है यह कोशिका मुख से करता है, यह किससे करता है? कोशिका मुख से करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि अमीबा में भोजन किस प्रक्रिया को नीचे के दिए गए चित्रों में दर्शाता है। देखिए मैंने बताया था अभी तुरंत कि अमीबा किस प्रकार से भोजन करता है, उसके लिए मैं वीडियो के लिंक दूंगा, उसी से मिलता जुलता यहाँ पर देखिए एक फिगर है जिसमें बताया गया है, तो इसमें आपको बताना है आंसर क्या होगा। तो इसका वहिष्करण यहाँ पर है कि भोजन का प्रक्रिया को दर्शाता है, यहाँ पर वहिष्करण देखिए। अगला जो ऑप्शन है हमारा वह है वहिष्करण, इसमें से कौन सा है? देखिए वहिष्करण का प्रक्रिया है घ नंबर को दिखा रहा है, क ख ग ग नंबर को दिखा रहा है, घ नंबर है तो वो बाहर निकल चुका है। अब देखिए कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई जो है वो कितनी होती है, यानी कि आहार नाल जो होता है वो कितना लंबा होता है उसके बारे में बताना है आपको। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा आपका 8 से 10 मीटर लंबा होता है आहार नाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान जो है वो निम्नलिखित में से किस रचना की मदद से मिल जाता है,
तो देखिए यह तो जीवा के द्वारा होता है, तो इसमें आप आंसर चूज कर सकते हो और छांट भी सकते हो आसानी पूर्वक। स्वादलनिका के द्वारा जो है ये पता चल जाता है, गौ नंबर ऑप्शन ये इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि क्या है कि दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने से दांतों पर बनने वाले एक अस्थायी परत को क्या कहते हैं, मतलब दांत के ऊपर एक अस्थायी परत हो जाता है वो क्या कहलाता है, अगर अच्छी तरह से सफाई नहीं करिएगा तो उसके ऊपर जो है एक परत जमने लगता है उसे क्या कहते हैं, दंत प्लांग कहते हैं ये, दंत प्लांग कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा जो है मुख गुहा में पाए जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है, इसमें से कौन नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका नंबर हमारा क्या होगा, आमाशय जो है ना पेट के भीतर में पाया जाता है, बिल्कुल ये याद रखेंगे। आहार नाल में क्रम कुचन को दर्शाने के एक चित्र को दिखाया गया, तो क्रम कुचन को दर्शाया गया है। इसमें से देखेंगे चार ऑप्शन दिए हुए हैं और इस चार ऑप्शंस के आंसर क्या होंगे वो आपको बताने हैं। तो क्रम कुचन को दर्शाया गया है, कौन सा भाग में क्रम कुचन है यहाँ पर वो आपको बताना है। तो इसका जो आंसर चला जाएगा संकुचन चल जाएगा, क्या हो जाएगा संकुचन। संकुचन की प्रक्रिया को यह क्या कर रहा है, दर्शा रहा है यहाँ पर इस पिक्चर के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं बंधु, कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आमाशय के भीतर की दीवार को किस प्रकार की कोशिकाओं का स्तर होता है, मतलब अंदर का जो दीवार होता है वो किस प्रकार का जो है कोशिका का जो है दीवार होता है वो आपको बताना है इसमें। तो इसका आंसर घ नंबर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आमाशय की दीवार में होने वाला जो घाव होता है निम्नलिखित में से किस प्रकार निम्नांकित में से जो है इसके अत्यधिक स्राव के कारण से होता है, मतलब क्या चीज़ स्रावित होता है जिसके कारण से ऐसा हो जाता है। तो इसका जो आंसर चला जाएगा वो कौन नंबर ऑप्शन चला जाएगा, अम्लीय स्राव के कारण से ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से इसमें से जो है वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है, ये तो कौन सी प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप जो वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में जो है वो बदल देता है। तो आपका आंसर जो है वो ख के साथ इसका चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइपेज के कारण से ऐसा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बंधु, अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सर्वाधिक होती है, तो कौन से भाग की लंबाई सर्वाधिक होती है, ये आप लोगों ने सुना भी होगा कि छोटी आंत सबसे बड़ा होता है, बड़ी आंत लिखा हुआ है लेकिन वो छोटी आंत जो है वो सबसे बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर की सबसे मानव शरीर जो है उसकी सबसे लंबी ग्रंथि जो है वो कौन सी है, तो सबसे लंबी ग्रंथि जो है वो कौन सी है, वो है यकृत, यकृत है हमारा नंबर ऑप्शन के साथ चला जाएगा। बंधु ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है जिसमें यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को दबा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय